हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजन सारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क। ये वैगनर है, मारुति वैगनर 2013 मॉडल है और इसका पावर स्टीयरिंग हार्ड हो गई है। पूरी स्टीयरिंग हार्ड हो गई है, पावर स्टीयरिंग इसका वर्क कर रहा नहीं है। तो अभी मोटर का प्रॉब्लम है क्या, इसका मॉडलर गया है, वायरिंग है, फ्यूज है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं स्कैन किया हूँ, स्कैनिंग मेरा चालू है। तो इंजन कंट्रोल मॉडलर नॉर्मल बता रहा है, एबीएस सिस्टम तो है नहीं इसमें, तो वो नॉट इक्विट आया है। और यूपीएस इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का भी नॉट इक्विट आ रहा है। तो बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है ही नहीं, तो मॉडलर इसका रीड नहीं किया है, इसकी वजह से ये इसमें नॉट इक्विट आया है। तो मुझे देखना पड़ेगा इसका मॉडलर में जो वायरिंग आता है तो उसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले करंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, करंट आता रहेगा तो फिर इसका मॉडलर फेल रहेगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या है प्रॉब्लम। नीचे का मैंने कवर वगैरह सब खोल दिया हूँ और ये देख सकते हैं इसका पावर स्टीयरिंग मॉडलर है। तो अभी इसमें करंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे टेस्टिंग लाइट से। तो ये मेन करंट है, तो इसमें पहला मेन करंट में 12 वोल्ट आना मांगता ये लाल वाला वायर में। देखते हैं, लगाओ। तो करंट है इसमें, और अभी ये जो पतली वायर है इसमें करंट चेक करेंगे। इसको अर्थिंग लगाओ और एक एक करके करंट चेक करो। हाँ, पट्टी को लगाओ, आरती ठीक से लगाओ। है उसमें, ये साइड वाला में लगाओ, बहुत कम वोल्टेज दे रहा ना। तो अभी मल्टीमीटर चेक करना पड़ेगा कितना वोल्टेज आ रहा है उसमें, वो देखेंगे। इसका वायरिंग वगैरह चेक कर लिया, उसमें करंट वगैरह बराबर आ रहा है। तो ये फाइनल इसका मॉडलर का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मॉडलर खोलते हैं वायर, और ये गाड़ी वॉश किए थे, वॉश करने के बाद में ये प्रॉब्लम आया। और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी दिख रहा है, वो इसमें मेरे को डॉट आ रहा है कि इसके अंदर पानी गया होगा और ये मॉडलर शॉर्ट हो गया है। वायर ले रहे, देखते हैं अभी क्या है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है, ये मॉडलर ही शॉर्ट हो गया है। ये कस्टमर ने वॉश किए थे, तो अंदर भी वॉश कर दिया डैशबोर्ड वगैरह, और उसकी वजह से इसके अंदर पानी गया और ये शॉर्ट हो गया है। तो देखते हैं इसको खोल करके क्या रिपेयरिंग होने जैसा है, क्या नया डालना पड़ेगा। अरे ये तो पूरा खत्म हो गया है, पूरा सड़ गया। देख सकते हैं इसमें पानी है और इसका पूरा मदरबोर्ड सड़ चुका है, तो ये रस्ट हो गया है। और ये रिपेयर होने तो ये रिपेयर तो नहीं होगा, मुझे नया ही डालना पड़ेगा। दूसरा डालते हैं और एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं। मैंने मॉडलर दूसरा मंगा लिया नया, और ये इसका, ये देख सकते हैं पूरा सड़ चुका है ये पानी की वजह से, और ये नया मॉडलर। तो अभी ये लगाते हैं और चालू करके स्टीयरिंग चेक करते हैं। मॉडलर फिटिंग कर दिया और आप इसमें देख सकते हैं अभी इसका स्टीयरिंग का लाइट आ गया है, ये लाइट पहले नहीं आ रहा था, तो लाइट तो आ गया है। अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, लाइट चला गया और इस देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग नॉर्मल हो गया, एक हाथ से स्टीयरिंग इसका घूम जा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम मॉडलर का था, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मॉडलर, क्योंकि वो उसमें पानी गया और वो शॉर्ट हो गया।
मॉडलर हमने रिप्लेस कर दिया और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।